आपका सैंपल होता है। अगर आप क्रॉस रखेंगे तो जो आपके ट्रांजिशन है वो चेंज हो जाएंगे, एनचो एंडो आएगा, क्योंकि जो कॉन्फिगरेशन है इंस्ट्रूमेंट का ऐसे ही होता है किसी में भी। इसलिए जो आपकी ग्राफ भी दिखेंगे आपको रिसर्च पेपर में, इधर दे है वाई एक्सेस लेवल की एंडो ऑफ एंडोडाइन, या फिर आपको एंथैल्पी का पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू है उससे पता चलेगा कि इवेंट्स कहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें टू साइडेड है, आप रेफरेंस में ऑलवेज ब्लैंक पेन रखेंगे और रॉयल जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें आप सेल्फ पेन रखेंगे। अभी जो सैंपल लोड होता है वो कहा है सैंपल पेन, ठीक है ना, सैंपल रखने के लिए। दिस इज द सिंगल टाइम यूज, जो डीएससी में यूज हो रहा है दिस इज द सिंगल टाइम यूज, और जो टीजीए का होता है वो एल्यूमिना का होता है, सिरामिक का, ठीक है ना, इट्स अ रीयूजेबल। ठीक है, जब भी हम कोई थर्मल एनालिसिस करते हैं ना, थर्मल एनालिसिस में कभी भी हम जो सैंपल पेन या क्रूसिबल उसको हैंड से टच नहीं करते, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हमारे हैंड्स के जो भी ऑयल्स हैं, है ना, या मान लीजिए वाटर है, मॉइस्चर है, वो सारा उसमें लगेगा और उसका भी इवेंट्स आता है, ठीक है ना, तो वो आपको क्या करेगा, कन्फ्यूज करेगा सैंपल एनालिसिस के साथ। तो ऑलवेज क्या करना है आपको, फोर्सेप का यूज करना है, ठीक है। दूसरा जो फर्नेस एरिया रहता है उसको कभी भी हमें हैंड से टच नहीं करना है, क्योंकि एक तो वो हॉट रहता है, सेफ नहीं है, सेकंड जो हमारा बॉडी का स्टैटिक चार्ज होता है ना, ठीक है ना, वो उसमें जाता है, तो उससे क्या होता है कि इसके पीसीबी वगैरह है खराब होने के चांसेस होते हैं। तो अभी आपने देखा कि डीएससी में टू साइड है, मतलब आपको राइट हैंड में रेफरेंस और लेफ्ट हैंड में सैंपल रखना है, एंड टीजीए में सिंगल एस्ट है, क्योंकि यहाँ थर्मोकपल या टेम्परेचर डिफरेंस नहीं देखना है उसका, वो बेइंग मैकेनिज्म पे बेस्ड है, तो जस्ट उसको चेंज इन वेट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और टाइम देखना है, ठीक है। अभी क्या है कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है, दोनों इंस्ट्रूमेंट थर्मल कोई भी होगा परकिन एल्बर का, वो पायरिस सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होता है, ठीक है। अब पायरिस सॉफ्टवेयर में एक साथ यू कैन कनेक्ट 9 इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, अभी जैसे 2 कनेक्टेड है, अभी जैसे मैंने आपको डीएससी टीजीए दिखाया, एक मैंने आपको एसटीए बोला था, डीएमए बोला था, वी ऑल इंस्ट्रूमेंट कैन कनेक्टेड विद सिंगल सॉफ्टवेयर, ठीक है। अभी जो स्क्रीन है हमारी ये टीजीए वाला दिख रहा है, ठीक है, ब्लरआउट कर देता हूँ, ठीक है, ये दिख रहा है आपको टीजीए 4000 कंट्रोल पैनल, और इसी के साथ मुझे डीएससी पे जाना है तो मैं डीएससी में यहाँ से जा सकता हूँ, ठीक है। गैस का फ्लो देखना सर, गैस का फ्लो नहीं आ रहा, गैस को बोलना होना चाहिए 0.21 20 ml पर मिनट रखना है। बेसिकली क्या है, आप गैस फ्लो कर रहे हो टू क्रिएट अ यूनिफॉर्म इनर्ट एनवायरनमेंट। जब हम इनर्ट यूज कर रहे हैं, जब मुझे रिएक्टिव यूज करना है तो हम ऑक्सीजन या एयर का यूज करते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो वॉल्यूम है फर्नेस का वो फिक्स्ड है, यहाँ पे अगर आप हाई फ्लो करोगे तो उससे कुछ नहीं होना है, और लो करोगे तो उससे जरूर होगा, क्योंकि जो जैसे अगर टीजीए करूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी, मतलब मेरा जो स्टेप आना है वो शार्प ना आके थोड़ा ब्रॉड टाइप आएगा, ऐसा स्लो ही आएगा, ठीक है ना। तो ऑलरेडी जो रेगुलेटरी मेथड 20 ml पर मिनट का फ्लो करता है, ठीक है। तो ये आपकी इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन है, ये टीजीए 4000 का दिखा रहा हूँ, अभी टीजीए इंस्ट्रूमेंट का स्क्रीन है, ठीक है। तो अभी क्या है, जैसे आप ये देखेंगे, ठीक है, तो ये आपका स्टेटस पैनल है, ठीक है। स्टेटस पैनल का मतलब है कि जो जिसको मैं एक्चुअली मेरा प्रेजेंटेशन चल रहा है तो मैं सुन रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ दूसरा, ठीक है। तो ये जो स्टेटस पैनल है, स्टेटस पैनल बेसिकली हमने जो फीड किया है, इंस्ट्रूमेंट को दिया है, उसका रिफ्लेक्शन है, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि आप कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो रूम टेम्परेचर से रन करेंगे, ठीक है, ये कोई माइंड सेटअप नहीं बनाना कि कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे सर ये सेफ से रन करती, क्योंकि मैंने आपको बोला थर्मोकपल का लिमिटेशन है वहाँ पे, और डीएससी का कोई भी सिग्नल, डीएससी का कोई भी सिग्नल आपको 400 के बाद नहीं मिलता है। कुछ सैंपल है जो इनऑर्गेनिक कंजुएशन जिसमें होता है, उनका 600-650 इससे ज़्यादा किसी सिग्नल नहीं आता है। जो डीपीए इंस्ट्रूमेंट 2400-2500 आती हैं उन्हें इतनी एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं होती है, वो कुछ और पर्पज के लिए, सिर्फ आपका टेम्परेचर रेफरेंस देखने के लिए, ठीक है। तो अभी क्या है कि
750 मेरा कैप हो गया ऊपर, लोअर में आई कैन गो माइनस 180, ठीक है। सबसे लो जो मुझे जाना पड़ता है इन केस ऑफ एनी सैंपल, एमोर्फस सैंपल होता है, रबर नियोप्रेन वगैरह देखोगा उनका जो टीजी होता है, ठीक है ना, टीजी के लिए जाना पड़ता है क्योंकि आपको मालूम है नेगेटिव में कोई मेल्ट होगा नहीं, ठीक है ना। जो जो ऐसा होता है जो फ्रीज ड्राई सैंपल होते हैं वो मेल्ट हो सकते हैं, उसका आपको ट्रांजिशन मिल सकता है। तो जो आपका बेसिकली क्या होगा कि जो ग्लास ट्रांजिशन है रबर वगैरह, तो उसके लिए माइनस 120 चलता है, तो उसके लिए हमें लिक्विड नाइट्रोजन एक्सेसरी लगती है, ठीक है। रेफ्रिजरेटेड सिस्टम भी आते हैं जो आपको माइनस 70 से अलाउ करते हैं। अभी हमारा वाटर कूलर लगा है, वी कैन नॉट गो बिलो रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। तो हमारा ऑपरेटिंग रेंज है रूम टेम्परेचर से अलाउ, ठीक है। तो अभी जैसे आपको कोई भी सैंपल करना है, तो सैंपल एक्चुअली सैंपल करना ईजी में तो ब्लाइंड चल जाता है क्योंकि एक्स्ट्रा डिग्रेडेशन प्रोसीजर, कोई भी सैंपल करोगे अल्टीमेटली इट हैज टू वर्क, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो डीएससी होता है, डीएससी में एक्चुअली हम कोई भी डिग्रेडेशन स्टडी नहीं करते। एक्चुअली मैं इंग्लिश में ही बोल रहा था, अगर लोगों ने हिंदी बोला तो मैंने सारे मोस्टली लोग हिंदी पर कुछ इंग्लिश। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, कि व्हेनेवर यू आर टेलिंग एनी सैंपल, ठीक है, यू शुड हैव सम रेफरेंस डेटा और रेफरेंस एनी फ्रॉम नेट और समवेयर, कि व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर डीएससी एनालिसिस यू शुड नो लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर। व्हाई हाई टेम्परेचर इज मोर इम्पोर्टेंट हियर, इफ यू हीट द मटेरियल आफ्टर मेल्टिंग पॉइंट, ओके, देयर मे बी अ चांसेस आफ्टर 50 डिग्री और 60 डिग्री आफ्टर मेल्टिंग इट विल स्टार्ट डिग्रेडिंग। वंस इट स्टार्ट डिग्रेडिंग इन द फर्नेस एरिया इट विल कम आउट फ्रॉम द सैंपल टैंक एंड इट विल कंटामिनेट द फर्नेस, ठीक है। जितना एज लॉन्ग एज यू कंटामिनेट द फर्नेस योर लाइफ ऑफ फर्नेस विल रिड्यूस, ओके, दिस इज नॉट अ प्रिकॉशन इन केस ऑफ टीजी बिकॉज अल्टीमेटली इट हैज टू बर्न, ओके, वट एवर द सैंपल इज देयर इट इज गेटिंग बर्न एंड द वट एवर फ्यूम्स इज देयर इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द टीजी फर्नेस। सो दिस इज ओनली इन केस ऑफ डीएससी। वेन एवर यू आर हैविंग अननोन सैंपल यू नीड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड यू नीड टू चेक द ट्रांजिशन once it is getting melt, because after melt there won't be any transition related to like phase transition something, ultimately it will degrade, okay. Even you can check the degradation point, degradation point means the moment it start degrading you need to stop the instrument, because you don't know after degradation how it will behave inside the sample pan, because jo degradation procedure hota hai it is like expandable procedure hai na, okay, material will expand there, okay na. तो उस केस में यू नीड टू टेक अ प्रिकॉशन इन केस ऑफ डीएससी। डिग्रेडेशन स्टडी जो भी होती है ना डीएससी में, इट विल बी अंडर हाई प्रेशर पैन, सो इवन इफ द सैंपल इज गेटिंग डिग्रेडेड बिकॉज इट इज हैविंग अ हाई कैपेबिलिटी और अंडर हाई प्रेशर इट कैन वर्क ना, इट विल नॉट बर्स्ट और इट नो सैंपल विल कम आउट फ्रॉम द सैंपल पैन। दिस पैन इज हैविंग अ मैक्सिमम प्रेशर अप टू 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, after that it will burst or maybe sample will come out from here, okay. So once you decided the method, okay, so this is the status panel, means whatever we will decide in the method it will reflect here, like sample temperature which is the actual sample temperature of your sample, not sample but sample pan, okay na. Program is whatever we are fixing here. Weight or weight percentage, once we put the sample weight, it will show here. Time remaining, that means remaining time. What is the status? Current step. Current step means you can do the single step analysis or you can do the multiple step analysis. That means scanning, isothermal, scanning, isothermal, like that you can do. Okay. And guess which we are using? This is the nitrogen. The pressure it is showing here and the flow which we are using. And this is the control panel, ठीक है ना? Control panel means which control the instrument here, ठीक है ना? So we are not going to directly to control panel. First, what we do, we will make a method from here. This is TGA going on, है ना? जो भी देख रहा है, this is the TGA screen, ठीक है? Because कैसे पहचानोगे? एक तो control panel पे यहाँ TGA लिखा है, second the balance का icon है. अगर बैलेंस का आइकन है दैट मींस इट्स अ टीजीए, ओके, ठीक है, बैलेंस वाला ये बैलेंस वाला टियर विद का हो या फंड टीजीए भी ठीक है।
ठीक है। तो व्हाट वी नीड टू डू, फर्स्ट वी नीड टू प्रिपेयर द मेथड। यहाँ पे व्हाट इज इम्पोर्टेंट हियर टू पुट इट, सैंपल आई डी एज पर योर सैंपल यू कैन पुट इट। सो आई एम नॉट पुटिंग, आई एम जस्ट पुटिंग द फाइल नेम बाई विच द सैंपल विल सेव। सो दिस इज द नेम। Then initial stage, it is nothing but it will show you the flow of your gases during initial step. That means 40 ml will be flowing here. I am changing it to 20 ml. Even we can select the flow of gases here. Which gas we need to use, we can check. All at a time, we can use two gases. Like one is nitrogen and second one we can use the air or oxygen, whatever you want. Okay? ठंडा आपको समझ में आया होगा भाई, टी आर ड्यूटी टू गैसेस डीजे एंड गैसेस। डीजे पायरोलिसिस जैसे आपने पढ़ा होगा, पायरोलिसिस सिस्टम के अंदर नॉर्मल और फिनोलिसिस, तो वो हो जाएगा फिर वॉट एवर रिमेनिंग इज देयर लाइक कार्बन में, उसके लिए वी नीड टू स्विच द गैस टू एयर ऑक्सीजन। ठीक है, नाउ वी विल गो टू प्रोग्राम। ऑलरेडी यू आर सीइंग सम स्टेप्स, so you have a two option, you can edit the step or you can create a new method. मैं इनको delete भी कर सकता हूँ, non delete, because it's a TGA. What I can do, I can hold for 1 minute at room temperature. So क्या होगा, during the beginning only it will stabilize at the temperature, then I go to add step and temperature scan. Okay, so this is from 30 degree up to what, 40 minutes क्या है, रेट बताइए ना, स्कैनिंग रेट, स्कैनिंग रेट एंड फाइनल टेम्परेचर, कितना हीट करना है। सर ये वाला सिंपल, ये क्या है सर, ये वो है सिलिका पाउडर, सिलिका पाउडर ना, सिलिका मतलब 800 एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों ही यूज करेंगे सर, सिर्फ नाइट्रोजन की वजह से करेंगे। So this is the single step procedure. If I have to add more step here, I can select that option also. You can have temperature or isothermal, or I can select. Now, if I have to use another gas, like oxygen here, so I need to go to add S and switch gas, okay. I can select the second gas and I can select the flow also. Okay. Yes, sir. So this is the single step program. Now it is fixed. Now what we need to do? We need to go here and clear the weight, zero weight. The zero weight technically what we need to do, we need to put the crucible inside, blank clean crucible, okay, it is already there, okay. So what I do, this can be the temperature of 80 degrees, TJ. टॉप लोडिंग में एक क्या एडवांटेज होता है कि मेरा जो हैंड का फोर्स है ना, इट इज नॉट गोइंग टू द बैलेंस, आई कैन कीप द हैंड हियर एंड इजीली आई कैन रिमूव दिस सैंपल मैन। अदरवाइज हैंगिंग पैटर्न या जो हॉरिजॉन्टल होता है ना, योर हैंड विल सिट देयर, और अगर इफ यू अप्लाई एनी फोर्स देयर ना, योर बैलेंस विल डैमेज और होल्डर विल डैमेज। इसके लिए थोड़ा सा सैंपल अमाउंट में डाल the pin mm.
I kept the sample, you can see the weight here. Around 5.8 mg. Now what I can do, I'll take the weight like this icon. Okay, so now this is almost 100%. That means whatever the changes will be there, it will be like from 100% of here. Now this is the start icon for starting the method. I'll start. So now your run has started. If you see the method here, our total program is there for 31 minutes. हमने जो वेट सेट किया है ना, डिसाइड द फाइनल टाइम, ओके, यू कीप लो, इट विल इंक्रीज, तो यू गो हाई, इट विल इंक्रीज, तो ये चलता रहेगा. नाउ यू कैन सी हियर टाइम रिमेनिंग इट इज कमिंग 31 मिनट, ओके, एंड दिस इज योर ग्राफ, इट इज स्टार्टिंग. वो टाइम दिखा रहा है अभी कितना टाइम, वो टाइम दिखा रहा है, अब टाइम कितना लगेगा, 31 मिनट लगेगा. बीएससी में यूजर सी में एट अ टाइम सिंगल सैंपल डालेंगे, एट अ टाइम सिंगल ही होगा. इवन इफ यू हैव टिपिकल वर्क करना है आपको वन सैंपल का, इट विल बी डन बाय ऑटो सैंपल. ये जो कंट्रोल पैनल है ना, कंट्रोल पैनल की आइकन इज डिफरेंट. Otherwise, everything is set. You need to go to method. Again, you need to fill that array here, like demo or anything. Only thing is that, in DSC, there is a mobile. Whatever the sample you need to do in DSC, you need to pay outside. And you need to pick in the sample. So normally, for DSC analysis, we will take around 2 samples. It's a very sensitive information. You need to be marking in the sample. आपका जो ट्रांजिशन आता है, इट इज कमिंग अराउंड 1 joule per gram, दैट आल्सो इट कैन बी, ठीक है ना. तो बस इट इज देयर इनिशियल स्टेज सेम नाइट्रोजन का फ्लो. नाउ इन प्रोग्राम, ओके, इन प्रोग्राम व्हाट वी कैन डू विद चेंज हियर, सो इट इज द 30 डिग्री आइसोथर्मल एयर स्टेप टेंपरेचर स्कैन. यहां पे टेम्परेचर रेंज दे रहे हैं, उन्होंने दिया है 20 से 250 डिग्री, एक रेंज दे सकते हो सैंपल के अकॉर्डिंग. हाँ, तो उस केस में क्या करना रहता है, यू कैन टेक अ मोर वेट, और व्हाट यू कैन डू, यू कैन डू द हीट कूल हीट प्रोग्राम. बेसिकली थर्मल फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट हीटिंग स्टेप, व्हाट इज इट, इट्स अ मूव द थर्मल स्प्री ऑफ मटेरियल. अगर उस थर्मल स्प्री है तो फर्स्ट हीटिंग स्टेप में इट विल बी लाइक मैंने सब, ठीक है ना. क्योंकि डायरेक्टली ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं डायरेक्टली सैंपल रख पाऊँ उसमें, मैं फिर उसी में तो यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है ना. अब मैंने सैंपल रख दिया है, इसमें कुछ नहीं करना रहता है आपको. जब मेथड यूज करते हैं ना, मैनुअली यू हैव टू पुट द सैंपल वेट, लाइक आई पुट इट 4 mg. सर, एक सैंपल ओपन पैन में ही करते हैं, ये सी कार्ड
गैस का फ्लो देखो, डीएससी में गैस का फ्लो नहीं आ रहा है। रजत तो यहाँ पे आपका डीजे करंट चल रहा है और यहाँ पे आपका बीएससी करंट चल रहा है। तो जैसे ही रन कंप्लीट होगा फिर मैं आपको इसका इंटरप्रेट।